1008 श्री आदिनाथ भगवान के बोले भूगर्भ से प्रैक्टिस श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान के बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के बोले विश्वनी श्री महावीर भगवान बोले जिनवाणी माता की परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की धर्म स्नेही बंधु हो। कई दिन से 10 लक्षण पर्व पर चर्चा चल रही थी। 10 धर्मों के विषय में सुना, बोला, भाव बनाए, उतारने का प्रयास किया। इसके पहले मेरी भावना चल रही थी। किसकी भावना चल रही थी? आपकी भावना। मैंने कहा मेरी भावना, आप कह रहे मेरी भावना। किसकी भावना चल रही थी? जिनवाणी वाली मेरी भावना, जो जिनवाणी में जो पढ़ेगा उसकी भावना। लाइन थी परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। कौन सा धर्म? परम अहिंसा धर्म। कौन सा? यहाँ जैन धर्म का नाम नहीं लिया कि जैन धर्म फैल जाए। कौन से धर्म के फैलने की बात कही है? परम अहिंसा। अहिंसा भी नहीं कहा, साथ में परम शब्द लगाया है। परम शब्द लगाते ही वजन आ जाता है। जैसे पूज्य है, परम पूज्य है। क्या कह दिया? पूज के साथ क्या लगा दिया? परम पूज। आप लोग पूड़ी खाते हो ना, खाते हो ना? अब पूड़ी के साथ परम लगा दो तो क्या बन जाता है? याद आ गई परम पूड़ी। यानी जिसके साथ परम लगा दोगे उस शब्द में वजन आ जाएगा। कहने का मतलब ये, पूड़ी की बात नहीं करनी मुझे। आप वैसे ही खाने पीने की वैसे ही चर्चा करते रहते हो। यदि पूड़ी के साथ में परम लगा दिया तो विशेषता क्वालिटी आ गई। भाई ये पूड़ी है और ये परम पूड़ी है, ये पूज्य हैं और ये परम पूज्य हैं, ये आदरणीय हैं, ये परम आदरणीय हैं। परम शब्द लगा दिया, परम लगाते ही वजन आ जाता, क्वालिटी बढ़ जाती है, उस वस्तु की विशेषता बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। यदि सबका हित करने वाला है तो अहिंसा धर्म है। अब यहाँ पर क्षमा नहीं कहा, मार्दव नहीं कहा, है सत्य सौ संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य, एक भी धर्म का नाम नहीं लिया, केवल एक धर्म का नाम लिया है। वो धर्म कौन सा है? अहिंसा। कौन सा धर्म है? अहिंसा को क्यों कहा? यदि आपने क्षमा किया तो आपके परिणाम शांत हुए। जिसके परिणाम शांत हैं तो भावों में अहिंसा है। जो बाहर जीवों की हिंसा नहीं कर रही तो द्रव्य अहिंसा है। जो क्रोध नहीं करता है वो जीवों की हत्या क्या करेगा? जो मान नहीं करता है वो किसी से झगड़ा क्या करेगा? जो मायाचारी नहीं करता है वो अपने लिए या पर के अहित के लिए कुछ नहीं करेगा। तो जहाँ अहिंसा है वहाँ दसों धर्म है। जहाँ परम अहिंसा है वहाँ वीतरागता है। जहाँ परम अहिंसा है वो ही सबका हित कर सकता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान मंदिर में बैठे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे हैं, पैर पे पैर धरे हैं, क्या कर रहे हैं?
कौन से धर्म का पालन कर रहे, क्षमा का, मार्दव का, आर्जव, कौन से धर्म का पालन कर रहे, ब्रह्मचर्य का, त्याग का, कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? दसों धर्म का कर रहे हैं। कौन से धर्म का? दसों धर्म का पालन नहीं कर रहे, वो दस धर्म रूपमय हो गए हैं। प्रकट हो गया उनका सत्य, प्रकट हो गई उनकी क्षमा, अब उन्हें पालन करने की जरूरत नहीं है। पालन तो हम जैसे जीवों को करना पड़ता है, जिनके अंदर क्रोध भरा पड़ा है, जिनके अंदर मान भरा पड़ा है, जो मायाचारी में लीन रहते हैं, जो लोभ में, लोभ जिनके रोम रोम में बसा हुआ है, झूठ बोलने में दिन में 100 बार झूठ बोलने पता ही नहीं चलता कि झूठ भी बोल लिया, त्याग करने के नाम पे वैसे ही घबराते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने में सोचना पड़ता है, हैं? और अकिंचन धर्म की तो सोच भी नहीं सकते हैं। तपस्या करने के नाम पे भय, बुखार आ जाता है, तपस्या, धूप में खड़े होना, ओहो, उपवास का नाम से नहीं होगा। पालन तो हम जैसे जीवों के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और भगवान तो उस रूपमय हो गए। जो रूप प्रकट होता है ना धर्म करने के बाद में, वो रूप प्रकट हो चुका है। तो भगवान कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, अभी मैंने बताया तो, धर्ममय है, धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, धर्ममय है। एक होता धर्ममय होना, धर्म का स्वरूप स्वयं प्रकट हो चुका उनकी आत्मा में, और एक धर्म कर रहे हैं। तो धर्म करना किसका काम है? जिसका स्वरूप प्रकट नहीं हुआ है, है ना? तो भगवान धर्ममय है। बाकी यदि हम कहें कि क्या कर रहे, क्योंकि हमें करने की भाषा समझ में आती है, हमें करने की भाषा समझ में आती है। आपसे पूछा जाए भगवान क्या कर रहे हैं, तो आप कहोगे ध्यान कर रहे हैं। आप क्या कहोगे? ध्यान कर रहे हैं। अब ये बात व्यवहार की है, निश्चय को बताने के लिए व्यवहार शब्द ही प्रयोग करने पड़ेंगे, बिना व्यवहार के निश्चय की व्याख्या भी नहीं कर जा सकती। अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान का ध्यान हो रहा है, भगवान ध्यानमय है, हम ये नहीं कह सकते। हम कहेंगे भगवान ध्यान कर रहे हैं, हमें करने की भाषा बड़ी जल्दी समझ। ये उपवास कर रहे हैं, हैं, ये पूजा कर रहे हैं, ये पूजा मय नहीं हो गई, ये पूजा कर रहे हैं। तो भगवान धर्ममय है, भगवान ध्यानमय है, तो भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। जहाँ कुछ नहीं करते हैं वहाँ परम अहिंसा धर्म होता है। परम अहिंसा धर्म कहाँ होता है? बोलिए ना, जहाँ कुछ कुछ भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, हैं, हाथ पांव भी नहीं चलाते, हाथ पे हाथ धरे हैं, पांव पे पांव धरे हैं, ध्यान में लीन हैं, वहाँ पर होता है परम अहिंसा धर्म। हम चीटी देख करके चल रहे, अहिंसा धर्म है। हम हितमित प्रिय वाणी बोल रहे हैं, अहिंसा धर्म है। हमने किसी जीव की रक्षा करी, अहिंसा धर्म है। लेकिन यदि ध्यान में लीन हो गए, परम अहिंसा है। परम अहिंसा कब आएगी? जब ध्यान में लीन हो जाएगी। अभी तो हम देख के चल रहे, नीचे देख के चल रहे, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खड़े वालों की बात नहीं करूँगी, बैठे वालों की बात करूँगी, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कितने लोग हैं जो नीचे देख करके चलते हैं, चींटी को बचा करके चलते हैं, घर में झाड़ू लगाते हैं तो देख करके लगाते हैं, बैठते हैं तो देख करके बैठते हैं, सामान रखते हैं तो देख करके रखते कि नीचे कोई जीव ना हो, बिस्तर बिछाते हैं तो देख करके बिछाते हैं, कपड़े भी पहनते हैं तो देख के पहनते हैं, झाड़ के पहनते, कोई जीव जंतु ना हो इसके अंदर में। इससे तुम्हारी भी रक्षा हो गई और जो जीव था उसकी भी रक्षा हो गई, दोनों की रक्षा हो गई। तो ऐसे कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाना, हाथ उठाना, कितने लोग हैं जो देख कर चलते हैं? अच्छा, चलते हो तो देख कर चलते हो, जब गाड़ी में चलते हो
हैं। अब तो मान लो सामने हॉर्न बजा देते कि भाई गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, तो एक तरफ हो जाएगा हमने हॉर्न बजा दिया है, तो आपने अहिंसा धर्म का पालन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो चींटी के पास कान नहीं है ना, वो सुन नहीं पाती है, हैं। और भी बहुत सारे जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते, उनके पास कान है ही नहीं, वो तीन इंद्री है और चार इंद्री के कान होते हैं, तो वो तो आपकी बात सुनते नहीं है, फिर उन्हें कैसे बचाते हो गाड़ी में चलते चलते, नहीं बचा पाते हो। ओहो, तो मतलब अभी पूरा पालन नहीं हो पा रहा है ना, जितना होना चाहिए उतना पालन नहीं हो पा रहा। अच्छा चलो एक और नया विषय लेती हूँ, मोबाइल से अहिंसा धर्म का पालन हो सकता है कि नहीं? मोबाइल से अहिंसा धर्म का पालन हो सकता कि नहीं? यदि मोबाइल में प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, भाव शुद्ध हो रहे ना, अहिंसा ही मानी जाएगी, है ना। हर चीज के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, किसी का भी एक पक्ष नहीं होता है, हर चीज का गुण और अवगुण, हर वस्तु में दोनों चीजें होती हैं। संसार की कोई वस्तु हो गुण से रहित नहीं है, ये मान के चलना, चाहे तुम्हारी घड़ी हो, चाहे तुम्हारे बाल हो, चाहे तुम्हारे कोई भी चीज हो, संसार की कोई वस्तु हो, उसमें गुण और अवगुण दोनों होते हैं। ऐसे ही मोबाइल में गुण भी है और अवगुण भी है, अब चलाने वाला उसमें से क्या लेता है ये देखने वाली बात है। अब मोबाइल में तो बहुत सारे फंक्शन है, उसमें रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें कैलकुलेटर से गणित भी हल हो जाते हैं, उसमें बात भी कर लेते हैं, वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, व्हाट्सएप भी चल जाता है, फेसबुक, फेस सबकी शक्लें भी देख लेते हैं। फेसबुक में क्या होता है, सब नहीं केवल शक्ल ही दिखती है उसमें, सबकी शक्ल देख लो, नाम ही उसका फेसबुक है। हाँ गेम भी खेल लेते, हमारे बच्चे कह रहे हैं गेम भी खेल लेते, बहुत अच्छी बात है, जो जो करता है ना वो ही बोल रहा है। तो और जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर लेते हैं, है ना। मोबाइल में, मोबाइल एक दुनिया है, मोबाइल में पूरी दुनिया समाई है। अब उस दुनिया में जितने तरह के लोग होते हैं वो अपने तरह की वस्तु निकाल लेते हैं, जितने तरह के, जिसका ज्वेलरी का व्यापार है तो वो उससे उसके हिसाब से करता है, कपड़े का है तो उस हिसाब से करता है, डॉक्टर है तो उस हिसाब से करता है, जो जैसा है वो उस हिसाब से मोबाइल को अपना सेट कर लेता है, वो फंक्शन खोलता है उस हिसाब से अपना काम करता है। और जो कुछ ऐसे भी होते हैं, इतने करोड़ दे नहीं तो ये कर दूंगा, उनका भी अपना हिसाब होता है। तो मोबाइल जहाँ यदि आप सही सदुपयोग कर, किसके हाथ में है, यदि धर्मात्मा के हाथ में है तो धर्म हो रहा है, और अधर्मात्मा के हाथ में है तो अधर्म हो रहा है। लेकिन कुछ उसमें चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हिंसा स्वयं की भी हो जाती है, पांचों पाप हो जाते हैं, जैसे हिंसा स्वयं की भी हिंसा हो जाती है। अब मान लो इस समय सब लोग पिकनिक मनाने बहुत जा रहे हैं, है ना, ये जो भादों के महीने के बाद का ये जो 15 दिन आता है, इन दिनों में लोग बैठ जाइए, बहुत ज़रूरी बात बतानी है आपको, इन दिनों में बहुत पिकनिक मनाने जाते हैं, कौन, जो तीर्थ नहीं जाते हैं, जो तीर्थ नहीं जाते हैं वो पिकनिक मनाने जाते हैं, जिनने अपने बच्चों को संस्कार दे दिए कि तीर्थ यात्रा पर जाना, वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। और जो डैम में अक्सर इस समय पानी के पास ही जाया जाता है अक्सर, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, उसमें पानी बहुत अधिक आ जाता है, तो वहाँ जाने पे बहुत मज़ा आता है, पानी को देखने में बहुत मज़ा आता है। अब पानी के साथ साथ आजकल वो सेल्फी चल गई, पहले तो सामने ही से फ़ोटो खींचते थे, अब उस आगे से फ़ोटो खींचने लगी सेल्फी। अभी कल ही एक लड़का डैम में गिर गया, वो भी क्या कर रहा था, अपने हाथ से अपनी सेल्फी ले रहा था, और पीछे जाते 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 हो गया पीछे और गया, तो वहाँ जो पानी आ रहा था, और जो पानी यूँ रोल होता है, लड़के को तैरना आता था मगर गिरा उल्टा, सीधा नहीं गिरा, सीधा गिरता तो शायद बच भी जाता, सेल्फी ले रहा था,
यदि पीछे से कोई सामने से फोटो खींच रहा होता और फिर गिरता तो शायद बच भी जाता, लेकिन गिरा वो मुंडी ऊपर करके और उसमें बिल्कुल रोल होता रहा। पानी यूं आता है तो यूं घूमता होगा, वो उसमें घूमता रहा, बहुत प्रयास किया, नहीं बच पाया। ऐसे एक नहीं हजारों केस हैं जो पानी में फोटो की वजह से चले जाते हैं, कई बार पहाड़ से गिर जाते हैं। बहुत घटनाएं घटती हैं सेल्फी के चक्कर में, मगर फिर भी लोग सेल्फी नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग भी सेल्फी लेते होंगे? अरे बोलिए ना, कितने लोग नहीं लेते हैं, बाकी का पता चल जाएगा। अच्छा, आता नहीं है या लेते ही नहीं हो? सीखना भी मत, जिसको नहीं आता है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। आपको मोबाइल चलाना नहीं आता ना, कोशिश ही मत करो कि सीखना है, क्योंकि सीखने के बाद जो व्यसन लगेगा फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक बार जिसने सीख लिया, यदि धर्मात्मा होगा तो वो अच्छे ही काम करेगा, लेकिन जो धर्मात्मा नहीं होगा वो तो चक्कर में फंस जाएगा, व्यसन में फंस जाएगा, और ऐसा फंसेगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो एक मोबाइल के माध्यम से स्वयं की हत्या हुई कि नहीं हुई? किसने करवाई तुम्हारी हत्या? मोबाइल ने करवाई। मोबाइल ने जो फोटो खींचने का जो व्यसन था, बहुत आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हो गया। रास्ते में खड़े तो शुरू हो गए, जरा सा पेड़ दिखा तो शुरू हो गए, मंदिर में आए तो शुरू हो गए। मंदिर में भगवान के दर्शन बाद में करते हैं, बिल्कुल मैंने देखा है, मंदिर में भगवान के दर्शन बाद में करते हैं, पहले सेल्फी शुरू हो जाती है। भगवान के दर्शन करने आए थे और मोबाइल में लग गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फोटो किसकी खींचती है, आत्मा की या शरीर की? बोलिए ना, फोटो किसकी होती है? शरीर की, और शरीर में भी ऊपर ऊपर के शरीर की, अंदर वाले शरीर की नहीं। अंदर वाले की फोटो देखा करो जरा, क्या है इसके अंदर में, उसको देखने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, MRI और क्या क्या मशीनें हैं, MRI है और CT स्कैन, X-ray। जब किसी लड़की को देखना हो तो कौन सी फोटो दिखाते हो, MRI की दिखाते हो, CT स्कैन की दिखाते हो, या ऊपर वाली दिखाते हो? हाँ ऊपर ऊपर तो हो, अंदर गहराई में जाते कहाँ हो। अभी दीदी ने बताया ना कि समुद्र में भी गहराई है और जिनवाणी में भी गहराई है, समुद्र में भी गहराई है और जिनवाणी में भी गहराई है, दोनों की गहराई में क्या अंतर है? गहराई में अंतर ये है कि समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, और यदि जिनवाणी की गहराई में चला जाए तो इंसान ऊपर चला जाता है। दोनों की गहराई में ये अंतर है। तो हम तो समुद्र में डूबना चाहते हैं, समुद्र में जाना चाहते हैं, वहाँ मज़ा आएगा, पनडुब्बी में बैठने मिल जाए तो और फिर क्या कहना है कि समुद्र के अंदर तक देख के आ जाए। तो इंसान केवल जैसे समुद्र के ऊपरी भाग में, समुद्र की गहराई में हीरा मोती होते हैं, समुद्र की गहराई में हीरा मोती होते हैं। किसे मिलते हैं वो हीरा मोती? जो उसको निकालना जानता है, जो उसे निकालना जानता है। जिनवाणी में भी हीरा मोती है, जो उसे पाना जानता है, जो उसे पाना जानता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर क्या होता है? शव होते हैं, कचरा होता है। समुद्र की ऊपरी सतह पर शव होते हैं, कचरा होता है, मछलियों के शरीर होते हैं, गंदगी होती है, और निचली सतह पर हीरा मोती होते हैं। तो ऐसे ही हमारी आत्मा की गहराई में यदि हम जाएं तो ज्ञान के मोती हैं, सुख के मोती हैं, और यदि ऊपर ऊपर देखें तो कचरा है। भले वो कचरा भी सुंदर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी जरूरी नहीं कि कचरा बुरा ही होता है, नहीं, कचरा सुंदर भी हो सकता है। आप मेरी बात समझ गए हैं? आप बहुत समझदार हैं। आगे बताऊं तो ना, बंद करूं, बता दूं हैं?
हम कचरा को और साफ करते रहते हैं और उससे प्यार करते रहते हैं। आत्मा की गहराई में जाओ, इसकी ऊपरी सतह को मत देखो। इसके सुंदर होने से आत्मा सुंदर नहीं होती है। आत्मा के सुंदर होने से ये सुंदर हो सकता है, मगर इसके सुंदर होने से आत्मा सुंदर हो ये कोई जरूरी नहीं है। कहते ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। जब किसी व्यक्ति से मिला और किसी से मिलने के बाद में उसके प्रति बड़े मन में विचार थे, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और जब उससे मिले तो वो तो टाइम टाइम फिस हो गया, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका तो नाम ही नाम है, इस कंपनी का तो नाम ही नाम है। हाँ, क्वालिटी तो है ही नहीं इस कंपनी में, इसका तो बेकार माल है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऐसे ही बात है ना। शरीर सुंदर है और गुणवान नहीं है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ऊंची दुकान फीका पकवान, और खोदा पहाड़। क्या बात है, आप तो बड़े होशियार हैं। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आत्मा के गुणों से ही हमारे जीवन में क्वालिटी आती है, हमारे गोरे कलर से नहीं आती है, हमारी ऊंचाई से नहीं आती है, हमारी आंखें बड़ी होने से नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि जिसकी आंखें बड़ी है उसे ज्यादा दिखता है, ऐसा है क्या? वही, इसकी आंखें बड़ी, इसको तो बहुत ज्यादा दिखता है, उसको 2 किलोमीटर तक का दिखता है, और इसकी आंखें छोटी, इसको तो यहीं पास तक का दिखता होगा, ऐसा है क्या? नहीं है, है? आंखों में देखने का संबंध इन आंखों से नहीं है, अंदर की आंखों से है। ऐसा नहीं कि कान बड़े बड़े हैं जिसके तो उसको ज्यादा सुनाई पड़ता है, ऐसा है क्या? भाई ऐसा हो सकता है तुम्हारा एंटीना जरा ज्यादा ऊंचा लगा हो, थोड़े चित्र साफ आ जाए, ऐसा हो सकता है, मगर इस एंटीने में फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें तो अंदर की मशीन काम करती है। तो इन चीजों से फर्क नहीं है, फर्क है हमारे गुणों से। किसी के पैर तेज चलते हैं, किसी का हाथ तेज चलता है, किसी की आंख तेज होती है, किसी के कान तेज होते हैं, किसी की नाक तेज होती है, और किसी का, अरे बोलो ना, जुबान तेज होती है, और किसी की स्वाद की जुबान तेज होती है, खाने की जुबान बड़े स्वाद लेता है, चख चख के देखता है मीठा कम है कि ज्यादा है, हैं? 5 मिनट और बैठ जाइए, है मीठा कम है कि ज्यादा है। सामने वाले को खिलाने के लिए बिल्कुल मत चखो। सामने वाले को यदि सेट रखना हो, लड़ाई झगड़े कम करना हो, तो जो जैसा बना है, बिना नमक का बना है, बिना नमक का खिलाइए। यदि आप नमक डालना भूल गए तो बिना नमक का खाइए आप, यदि ज़्यादा हो गया तो वैसा खाइए, कम हो गया तो वैसा खाइए। हर तरह की आदत जीवन में होनी चाहिए। आप घर में अच्छा खिला दोगे और यदि बाहर जाके नहीं मिला तो फिर तो परेशानी होगी ना। और घर में ही आदत रहेगी हर तरह का खाने की तो दुनिया में कहीं चले जाओ। अब आपका बच्चा है, आप अच्छा अच्छा खिलाते हो, और जब हॉस्टल जाता है तो रोते हो बैठ के, वो रोता है और तुम रोते हो कि उसको सूट नहीं कर रहा वहाँ का खाना, उसको अब मेरे हाथ जैसा पसंद का खाना नहीं मिल रहा है। अब इस खाने के पीछे पढ़ाई छूट जाती है, बच्चे की पढ़ाई में परेशानी आ जाती है, हैं? तो जैसे जीभ को जैसा दो वैसा खा ले। खा सकती कि नहीं खा सकती जीभ? जीभ में आदत पड़ सकती कि नहीं पड़ सकती? अरे बोलिए ना, पढ़ सकती है ना। तो डाल सकते हो कि नहीं? कौन कौन डाल सकता है, हाथ उठाओ, कि जैसा मिलेगा वैसा खाएंगे, उठाइए हाथ। और जैसा चखेंगे नहीं, जो बन रहा है वो ही बनाएंगे, चखेंगे नहीं, उठाइए हाथ। आप हाँ थोड़ा ऊंचा सा उठाइए जरा, सबको सुधारना है तो ऐसे ही, नहीं तो बाद में लड़ाई झगड़े होंगे। जैसा मिले वैसा खाना, पीछे वाले पुरुष, हाँ कौन नहीं उठा रहा जरा मुझे बताना, हाँ कौन नहीं उठा रहा? चश्मा वाले भाई साहब, भाई साहब आप जो मिले वो खाना उठाइए हाथ, हाँ। और जितने टीवी में देख रहे वो भी हाथ उठा लें, बहुत बढ़िया। आपने नहीं उठाया,
जो मिले वो खाना है और जैसा मिले वो खाना है। इससे आप बहुत सारे लड़ाई और झगड़ों से बच जाओगे, बहुत सारे क्रोध से बच जाओगे, बहुत सारे पाप से बच जाओगे, बहुत सारी विपत्तियों से बच जाओगे और बहुत सारी जो बुरी भावनाएं आती हैं उससे बच जाओगे। केवल एक छोटे से नियम से कि जैसा मिलेगा वैसा खाना है। और एक और नियम ले लो कि हम भोजन की कभी बुराई नहीं करेंगे। सबकी बुराई कर लेना, भोजन की बुराई मत करना। अरे उसने ऐसा खराब बनाया, अरे उसने ऐसा बनाया, अरे उसको ऐसा बनाना नहीं आता, तेरी अम्मा ने यही सिखाया क्या, तेरी मम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया क्या। इतना नियम ले सकते कि भोजन की बुराई नहीं करेंगे। कौन कौन नियम ले सकता कि भोजन की बुराई नहीं करेंगे? जब जो मिला वो खा लिया तो बुराई गायब करना, अब तो पेट में चला ही गया, अब तो पेट में चला ही गया है, अब बुराई क्या करना, खाने के बाद बुराई करना, ना 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 ना। पहले बात खा भी लिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया है, वो तो ठीक है लेकिन बुराई नहीं करेंगे। हाँ बुराई नहीं, बाद में उसके पूरा चिट्ठा नहीं खोलेंगे, ये नहीं किया, ये नहीं डाला, ऐसा डाल देती तो अच्छा होता, वैसा, मतलब गुस्सा नहीं करेंगे। कहने का मतलब गुस्सा नहीं करेंगे। वैसे सामान्यतः प्यार से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है कि रोज रोज गलती हो जाती, नहीं होती है सहन, तो प्यार से बता देना, आप गुस्सा मत करना। ऐसा हो सकता है क्या? अब हाथ उठा लो, हाँ क्या ना, अब तो ठीक है। जेंट्स को नियम दिलाएं, कहाँ बैठे हैं, उठाइए भाई साहब हाथ, हमारी महिलाएं सुखी हो जाएंगी। क्यों नहीं कर पाए, करना है, हम मनुष्य हैं, पावर है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उठाइए हाथ। और मुझे ये भी पता है, एक मिनट, ये व्यक्ति जो नियम लेगा ना ये छोड़ेगा नहीं, ये मुझे विश्वास है, ये वो पूरा पालन करेगा। यदि नहीं करेगा तो हाथ नहीं उठाएगा, और यदि करेगा तो फिर पूरा निभाएगा। यही बात है ना भाई साहब, उठाइए हाथ। वाह, तालियां बजाएं एक बार, बहुत बढ़िया, उठा दिया हाथ। इनकी श्रीमती जी कौन सी है? ए अच्छा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा। चलो भाई इनकी श्रीमती जी के लिए ताली बजा दो एक बार, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीज़ें जो छोटे, जिसके पीछे हम लड़ाई झगड़ा ना करें तो चल सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जीवन में हैं जिसके पीछे क्रोध करना पड़ता है। तो क्रोध अधर्म है कि धर्म है? धर्म है। अब आपने भोजन का गुस्सा छोड़ा तो धर्म किया कि अधर्म किया? तो घर में रह के धर्म हो सकता कि नहीं? गुस्सा नहीं करना धर्म है और गुस्सा करना अधर्म है। तो आपने ये नियम लिया है तो ये धर्म किया कि नहीं किया? अरे बोलिए ना, किया है ना। अच्छा ठीक है, समय हो गया है, मैं तीन चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में सात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आज आपके जहाजपुर आने का, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में राहतगढ़ का, रुई में पोनी का, कमरे में क्षेत्रों में कोनी का, और आने वालों में मेहरौनी का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जबलपुर का, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में ललितपुर का, मुरैना, चेहरे पर नैना का, बोलने में बैना का, और आने वालों में मुरैना का, रात्रि में शशि का, और युद्ध में असी का, और आने वालों में इटारसी का, साड़ी में जरी का, साड़ी में जरी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में सीकरी का, रंगों में सुनहरा का, और तौलने में धरा का, और आने वालों में आगरा का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का, गरीबी में तंगी का, तबीयत में चंगी का, और आने वालों में कटंगी का, दिए में जेली का,
जातियों में तेली का और आने वालों में करेली का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का, सब्जी में छोंक का, चाकू में नोक का और आने वालों में टोंक का, एमपी में खोरा का, नहीं होने में बोरा का और आने वालों में बिजोरा का।